हेलो फ्रेंड्स, इजी कुकिंग टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं चना दाल तड़का। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है चना दाल। इसे मैंने 8 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ दिया था। आप चाहें तो कच्चे दाल से भी बना सकते हैं, उसमें ज़्यादा सीटी लगानी पड़ती है। तो इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे हम 2 सीटी आने तक पकाएंगे। 2 से 3 सीटी आने तक पका लें और देख सकते हैं अच्छे से गल चुका है। अब हम एक पैन में ऑयल डालेंगे। मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है। इसमें हम डालेंगे सूखे लाल मिर्च और 1 तेज़पत्ता, आधा चम्मच हम डालेंगे जीरा। जैसे ही जीरा हमारा चटक जाएगा इसमें हम डालेंगे प्याज, तो 2 प्याज है जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन और इसे भी भून लेंगे। अगर आप इसमें लहसुन नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें, उसके बिना भी इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो मैंने यहाँ पर लिया है हल्दी पाउडर, साथ में डाला है काश्मीरी लाल मिर्च, जीरा पाउडर, नमक। तो ध्यान रखिए, पहले हमने दाल में भी नमक डाला था इसलिए नमक हम थोड़ा सा कम डालेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल सकते हैं अगर उसका टेस्ट अच्छा लगता हो तो। अब हम इसमें डालेंगे 1 टमाटर और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। मसाले सारे अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे पके हुए दाल और इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। और इसे हम ढक कर 5 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं तो देख सकते हैं दाल जो है अच्छे से बन चुका है और ये थोड़ा सा थिक हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। और इसे गर्मा गर्म परोसें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप पूरी के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।